तरफ से वो कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है, जोर लगा रहे हैं किसी ना तरीके से ना पाकिस्तान लेट डाउन कर दे, ठीक है, हमारे आगे हाथ जोड़ दे वहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो हम जाएंगे ना? नहीं जाएंगे। जाएंगे? नहीं जाएंगे। जाएंगे? और नहीं जाएंगे यार। ओ भाई जाना है हमने, पता है ना हमने। तो पागल हो तुम लोग। हमने भाई हमने तो पहले कोई इंडिया के भी सारे मैच यही होंगे, ठीक है, इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा मुझे बताओ, हाँ। बस एक ही टीम है दुनिया में भाई, टीम भाई इंडिया और पाकिस्तान का तो मैच देख रहे हैं ना हो, इंडिया अफगानिस्तान का देख लेंगे, ओ सॉरी पाकिस्तान अफगानिस्तान का देख लेंगे। होनी चाहिए आईसीसी को भी ये वाजे कर दे कि अगर चैंपियन ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान करना क्या चाहते हैं, क्या मसला ने क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर, श्रीलंका को क्वालिफाई कराए, अफगानिस्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाई। डे बडे नई से नई न्यूज आती जा रही, चैंपियन ट्रॉफी आज फाइनल ने जो फैसला दे दिया इंडिया ने कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, हाइब्रिड करो भाई हमारे सारे मैच दुबई में रखो और पाकिस्तान में हमने नहीं आना, क्या कहना चाहेंगे इस वाले से डे नई से नई न्यूज आज फाइनल न्यूज दे दी आज? हाँ तो सही है, नहीं आ रहे तो इसमें क्या है, हम ना मतलब नहीं आते तो क्रिकेट बंद हो जाएगी या चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, अगर वो इतना भाव खा रहे हैं तो ना आए कोई मसला नहीं, इतना वो अगर क्रिकेट खेल लेंगे तो हम भी क्रिकेट खेल लेंगे, तो इस तरह कोई इतनी खास बात नहीं है, अगर इंडिया आ रहा था तो अच्छा था, आ जाता, वेलकम करना था, सारा फोकस उनकी तरफ होना था, अब वो नहीं आ रहे तो भाड़ में जाएं। तो भाई डे ये नई से नई न्यूज़ क्या करना क्या चाहते हैं, क्या मसला ने क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर होता नहीं देखना चाह रहे, जो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट ग्रोथ कर रही है उसको नहीं देखना चाह रहे, हमारे पीसीबी को ये ज़्यादा वो कहते हैं अमीर होना नहीं देखना पसंद कर पा रहे, पाकिस्तानी पब्लिक को एंटरटेन करना नहीं है पसंद कर रहे, और आप क्या रीज़न मांगते हैं, आपको तो बहस ही नहीं यूट्यूबरों को इसके ऊपर करनी चाहिए कि क्यों नहीं आ रही, नहीं आ रही तो ना है उनकी मर्जी, ना उनकी क्रिकेट खत्म हो जानी ना पाकिस्तान की क्रिकेट। आप मुझे बताएं बायकॉट नहीं कर देना चाहिए हमें इंडियन टीम से? पहले भी कौन सा हमने बायकॉट नहीं किया, पहले अभी तो नहीं किया, आप कर रहे हैं काम सारे कर रहे हैं तो करना चाहिए। तो आपने जब हमारा जब उनका T20 उन्होंने जब अपना टूर्नामेंट करना है 2025 में, आप उस एशिया कप 2025 में आप मुझे बताएं हमें जाना चाहिए फिर वहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो हम जाएंगे ना? नहीं जाएंगे। जाएंगे? नहीं जाएंगे। जाएंगे? और नहीं जाएंगे यार। ओ भाई जाना है हमने, पता ना हमने। पागल हो तुम लोग। ओ भाई हमने तो पहले कहा था ODI में नहीं जाएंगे, हम तो गए थे। नहीं जाएंगे, वो एक शर्त पे गए थे कि आएंगे, वादा वफा नहीं किया, बेवफा है, तो अब हम भी देखेंगे अपनी अदाओं पे गौर करेंगे। तो हम जाएंगे, मुझे कंफर्म बात है, मैं 100% बात हम जाएंगे। जाओ फिर आप अभी जाओ, अभी चले जाओ। ICC का इतना बड़ा टूर्नामेंट होने, ICC इतना बजट दिया हमने, जो पूरा हमने गद्दाफी स्टेडियम में लगा दिया, अब वो कह रहे हम नहीं आए, क्या फायदा हम इतना पैसा लगा रहे, क्या फायदा ICC को इतना पैसा, ICC का टूर्नामेंट में ये कह रहे हमने नहीं आना, तो हमने पैसा लगाया तो हम जाया कर दिया। क्यों जाया कर दिया? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और टीमें नहीं आ रही, बस इंडिया ही आपके पास टीम रहेगी? आप तो पागल लोग हैं, एमए उठाई रहते हो इस बात को, हाइप क्रिएट करते हैं आप लोग। भाई क्यों हाइप, आप अभी गुस्सा करी जा रहे हाइप, बस एक ही टीम है दुनिया में भाई, टीम भाई इंडिया और पाकिस्तान का तो मैच देख रहे हैं ना हो, इंडिया अफगानिस्तान का देख लेंगे, ओ सॉरी पाकिस्तान अफगानिस्तान का देख लेंगे, श्रीलंका का देख लेंगे। आप बायकॉट करना चाह रहे हैं तो यार भाड़ में जाए, अगर नहीं आ रहे तो कितनी और मिनते करवानी, कितने और हम इनके तरले डलवाने, नहीं आते ना है ये पास, इनको शर्म आनी चाहिए। पीसीबी को हाइब्रिड करना चाहिए कि कभी भी नहीं करना चाहिए, अगर कर दिया उन्होंने करना ही नहीं चाहिए तो भाई कर देंगे ना, पता है बायकॉट पाकिस्तान के फैंस कर दें, क्रिकेट देखने बंद ही कर दें, जब चैंपियन ट्रॉफी का मैच लगे चैनल बदल लें अपना। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, काफी ज्यादा न्यूज आ रही थी इंडिया जो चैंपियन ट्रॉफी खेलने आ गया, इंडिया ऐसे कर लेगा, इंडिया ऐसे कर लेगा, इंडिया वैसे कर, फाइनली इंडिया ने कह दिया हमने पाकिस्तान आना ही नहीं, खेल हाइब्रिड करें, हमने पाकिस्तान आना नहीं है। आप यूएई में जितने हमारे मैचेज हैं, हमारे जो यूएई में मैचेज करें, हमने पाकिस्तान नहीं मैच खेलने, क्या वजह लगती है? डे बाय डे इंडिया कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं, आप इंडिया फाइनल स्टेटमेंट देती है हम पाकिस्तान नहीं आ रहे चैंपियन ट्रॉफी में। यार अभी तो फाइनल स्टेटमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो सारी न्यूज़ जो गर्दिश कर रही है ना, ये उनके मीडिया पे ला रहा है। अच्छा, और आपको पता है जो उनका मीडिया है ना, वो अब झूठी खबर ही पलाता है, ठीक है? अच्छा, तो ये अब से उसका प्रोपेगंडा नहीं है, जब से 4 से 5 साल पहले ICC ने ये दिया था पाकिस्तान को इवेंट चैंपियन ट्रॉफी का, तब से जो है ना वो चला रहे हैं, ये जो है ना किसी तरीके से कोई टीमों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना यहाँ पे दहशतगर्दी है, ये है वो है, तो आप इधर ना आए। तो इस तरह तो ICC का तरफ से कोई इस तरह का कोई डिसीजन नहीं आया कि पाकिस्तान में जो है ना चैंपियन ट्रॉफी नहीं है। ICC ने साइन कर दिया है कि पूरा का पूरा जो है ना वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। सर आपने जिस तरह बोला पाकिस्तान, नो डाउट आपने कहा ICC का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, देखिए ICC के स्टेटमेंट आना ना आना वो लैद की बात है, मगर अभी तो मीडिया में हमारी मीडिया ने भी यही कह दिया कि चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो रही, नहीं तो खबर फैला दी हुई है कि जो इंडिया नहीं आना चाह रहा पाकिस्तान, वजह क्या लगता है इंडिया क्यों डे बाय डे नई से नई कोई न्यूज़ नई से नई खबर लेके आ रहा है? यार हमारे लिए जो इस टाइम सबसे अथेंटिक चीज़ होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि हमारे चेयरमैन साहब का क्या स्टांस है, जो PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, उनका ये क्लियर एंड कट
जो है ना बयान है कि इंडिया पाकिस्तान आएगी, ठीक है, पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, कोई इंडिया के भी सारे मैच यही होंगे, ठीक है, इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा मुझे बताया हाइब्रिड क्या है, क्या पाकिस्तान को हाइब्रिड करना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं हाइब्रिड कर जितने पाकिस्तान के इंडिया के मैचेज हैं, इंडिया के रिलेटेड जितने मैचेज हैं सारे यूएई में होंगे। यार हाइब्रिड क्यों होना चाहिए, हमारा राइट है यार, हम जब उनकी उनका कितना अड़बड़ पे लगा दिया, जब इनका इवेंट हुआ था, ठीक है, तो हम नहीं गए थे खेलने के लिए, हमारी पूरी टीम गई थी शेरों की तरह गई थी, तो इनको भी चाहिए शेरों की तरह आए पाकिस्तान में आके खेलें। वजह क्या लगती है, इंडिया क्यों मना कर रहा है, कब डेली हर मंथ में कोई ना कोई नई स्टेटमेंट दे रहा है। यार मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियन टीम तो है वो तो चाहती है पाकिस्तान आए हम खेलें, ठीक है, क्योंकि आपके उनके प्लेयर्स के बयान भी सुने होंगे, रोहित शर्मा ने भी कहा है, विराट कोहली ने भी कहा है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको कोई इशू नहीं है, उनकी पब्लिक को भी कोई इशू नहीं है, वो भी चाहती है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, वो भी पाकिस्तान आना चाहते हैं, सिर्फ ये जो उनका मीडिया है ना, बस वो किसी ना किसी तरीके से जो है ना ये मैम चला रहा है कि जो है ना कुछ बस हो जाए, लेकिन होना कुछ भी नहीं है, जो आईसीसी ने साइन कर दिया वही होना है। अगर नहीं आता तो क्या पाकिस्तान को डिसीजन ले लिया, दो ऑप्शन है ना पाकिस्तान में, दो ऑप्शन श्रीलंका या अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान को डिसीजन ले लेना चाहिए। यार पहली बात आप मेरी सुने, जब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान आना था, पूरे इंडियन मीडिया ने क्या खबर चलाई थी, पाकिस्तान ये है पाकिस्तान वो है, जयशंकर वहाँ नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो फिर आए थे, ठीक है, जैसे एक रात पहले ही जो है ना वो प्लान बन गया जो है ना जयशंकर साहब इस्लामाबाद लैंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरह ही उन्होंने अभी बस ये अपनी तरफ से वो कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है, जोर लगा रहे हैं किसी तरीके से ना पाकिस्तान लेट डाउन कर दे, ठीक है, हमारे आगे हाथ जोड़ दे, तो कोई दूसरा वेन्यू हमारे लिए रख ले। तो जब पाकिस्तान ने अगर अपना स्टांस अच्छा रखा ना, मोहसिन नकवी साहब का जो स्टांस है वो नज़र आ रहा है कि जो है ना उन्होंने स्टांस लिया हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडियन टीम जो है ना इंशाल्लाह जरूर आएगी पाकिस्तान। ओके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। यार आज फिर एक न्यूज़ आ गई, चैंपियन ट्रॉफी फाइनल चैंपियन ट्रॉफी का जो कि न्यूज़ बहुत आ रही है, चैंपियन ऑफ इंडिया ने बोल दिया हमने पाकिस्तान नहीं हाइब्रिड करो, हमारे सारे हमने कोई मैच पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलना, अगर इंडिया नहीं आता तो आता तो भाड़ में जाए। अच्छा भाड़ में क्यों जाए, क्या हो जाए? अगर हिंदुस्तान को कोई तकलीफ़ है पाकिस्तान में खेलने की तो वो हमें बताएं क्या वजह है। पाकिस्तान सेव है, यहाँ सारी टीमें आके खेल रही हैं, यूरोप से सारी टीमें आ रही हैं, सारी टीमों ने विज़िट किया है, सारी अपनी सक्सेसफुली सीरीज खेल के गए हैं, हिंदुस्तान को क्या मसला है? यही तो पूछ रहे, वजह क्या वजह है, हिंदुस्तान कोई मसला बकाया, किसी टीम को कोई मसला नहीं, ना न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया किसी टीम को मसला, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान टीम को मसला है। हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो तबाह हो जाए और पाकिस्तान को हम इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करें, ताकि ये यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ सेफ नहीं है टूर्नामेंट। अगर हिंदुस्तान नहीं आता तो ना आए, पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने डिसीजन पे कायम रहें और चैंपियन ट्रॉफी को हर सूरत पाकिस्तान में कराएं। यार देखे अगर 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 पीसीबी ने हाइब्रिड कर दे फिर क्या करेगी पाकिस्तान, क्योंकि पीसीबी तो अपने डिसीजन ले लेती है, हाइब्रिड कर दें, हाइब्रिड हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं, पर पीसीबी को अपना डिसीजन रखना चाहिए कि अगले मैच जो अब हमारे इंडिया के अंदर जो है हम उस पर बाइकआउट करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि पूरा टोटली चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए, अगर ये डिसीजन पहले एशिया कप वाला ले लिया होता तो ये नौबत ना आती। तो पाकिस्तान को चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि ये ओवरऑल टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना चाहिए। इसके लिए हमने पिछले 2 साल से तैयारियां कर रहे हैं, टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम बनवा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान अगर नहीं आता तो श्रीलंका को क्वालिफाई करें, अफगानिस्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, तो आप श्रीलंका को ले आए और टूर्नामेंट पूरा जो है वो पाकिस्तान में कराएं। सर आप मुझे बताएं वजह क्या लगती है, क्या वजह, क्या उनका मुफाद है, क्या मुफाद है जो इंडिया ने ही माना बाकी पूरी दुनिया की टीमें माने, उनको क्या मसला, पाकिस्तान से क्या इशू हो सकता है, क्योंकि अगर उनकी क्रिकेट सस्ती बात करें तो वो खुद आना चाह रहे, विराट कोहली रोहित शर्मा वो तो कह रहे हैं हम आना चाहते हैं, मगर आगे तो डिसीजन तो उन्होंने ले रहा ना, आईसीसी के चेयरमैन जो होने जा रहे हैं जय शाह, हिंदुस्तान की जो प्लेयर हैं वो आना चाहते हैं और हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उनको इजाज़त नहीं देती, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आप न जाए, पाकिस्तान आपके लिए सेफ नहीं है, तो पाकिस्तान ने उनको यकीन दहानी कराई है कि हम आपकी टीम को
एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देंगे, यानी कि सदारती लेवल की सिक्योरिटी देंगे, उससे भी अच्छी देंगे, उससे भी अच्छी देंगे। अगर आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में अनसेफ हैं, तो पीसीबी ने उनको एक ऑप्शन भी दिया है कि आप अपने जो मैचेस हैं वो यहाँ खेल खेल के अपने शहर क्या नाम है अमृतसर जो भी है वहाँ आप चले जाएँ, जो यहाँ नज़दीक पड़ता है लाहौर के। तो बहुत सारी ऑप्शन दिए। अगर हाइब्रिड मॉडल की बात करते हैं हिंदुस्तान, तो हम यही अपील करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि वो अपने डिसीजन पे कायम रहें और चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। आईसीसी को भी ये वाजे कर दें कि अगर चैंपियन ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, वरना नहीं होगी। तो आईसीसी ने देखे, आपने तो बात की, आईसीसी इतना पैसा लगा दिया, अब ये क्या हाइब्रिड करें, क्योंकि इतना पैसा हमने गद्दाफी स्टेडियम पे लगा रहे हैं, अभी देख भी रहे हैं वहाँ, तो फिर हमने हाइब्रिड, क्योंकि अभी आईसीसी को भी चाहिए तो एक्शन है। आईसीसी भी कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं दे रहा अभी। हिंदुस्तान क्रिकेट की जो अदारा दारी है वो आईसीसी में है, कि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जय शाह हैं, पिछले दो अपना नेक्स्ट दो सालों के लिए वो बने हैं, तो उनकी जो वहाँ अजारेदारी है वो कायम है आईसीसी में, क्योंकि वो आईसीसी उनकी बात मानता है, सारे स्पॉन्सर जो हैं ये सारी चीज़ें हैं वो हिंदुस्तान की हैं, तो इस वजह से उनकी बात मानी जाती है, इस वजह से हिंदुस्तान जो है अपनी हट धर्मी पे कायम है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो हर सूरत पाकिस्तान में होनी चाहिए, कहीं भी हमें कबूल नहीं। लास्ट बात, जो टूर्नामेंट होने हैं इंडिया के अंदर, क्या हमें बाइकआउट कर देना चाहिए? बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए। अगर हिंदुस्तान नहीं आता तो इनको चाहिए कि वो भी वहाँ ना जाए हिंदुस्तान में। पाकिस्तान को चाहिए कि अगले साल एशिया कप भी आ रहा है हिंदुस्तान में, और 26 में T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान को चाहिए कि ये दोनों का बाइकॉट करे, वहाँ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। श्रीलंका को क्वालिफाई कराएं। अफगानिस्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, तो आप श्रीलंका